आध्यात्मिक साधना करने के अनेक अनेक प्रकार है। एक प्रकार जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं वो आपको बताएंगे। यदि हमने भगवान का दर्शन किया तो क्या होगा? तो भगवान को जैसे ये दुनिया दिखती है वैसे हमको दिखने लगेगी। देखो तो फिर साधना क्या हो गई? तो ऐसा कल्पना कर लेना, मुझे तो भगवान का दर्शन हो गया है, अब क्या? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये साधना हो गई। यदि हमको परमात्मा का दर्शन हो गया तो हमको क्रोध नहीं आएगा। अच्छा तो कल्पना करें, हो गया दर्शन भगवान का, अब क्या क्रोध नहीं करना है? देखो यदि हमको भगवान का दर्शन हो गया तो जैसे भगवान किसी को मिसअंडरस्टैंड नहीं करते, चाहे कोई भगवान को गाली दे या पूजा करे, भगवान को तो इतना दिखना है या किसी भी प्रकार से मुझे याद तो कर रहा है ना बहुत वगैरह, तो उनको ये मतलब नहीं है कि कोई मेरे पास कैसे पहुंचता है, पहुंचने का महत्व है, कैसा पहुंचता है ये महत्व नहीं है। तो यदि हम प्रभु के पास पहुंच गए, भगवान से एक हो गए, तो हम जो जैसा है वैसा स्वीकार करेंगे। देखो भगवान का कोई दुराग्रह नहीं है, ये सांप क्यों जहर देता है, गाय दूध देती है तो गाय अच्छी है सांप खराब है, नहीं, यही होती है आध्यात्मिक साधना।